आज हम लोग पढ़ेंगे कैलिब्रोमेटर मेथड। बहुत जनरली ये बहुत कम यूज होता है मेडिसिन, और आप लोगों को मैथमेटिक्स का पढ़ाने का मतलब ये हो रहा है कि आप इस तरह मैथमेटिक्स को समझ जाना है कि आप चेयर पर बैठे हैं, पेशेंट बाहर आ रहा है, उसको देखते ही आपको मेडिसिन याद आना चाहिए, उसका रिपोर्ट रिपोर्ट देखने दरकार है, पेशेंट को देख के कैसे आप के मन में मेडिसिन आना चाहिए। जब तक मेडिसिन नहीं आएगा आप क्लासिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। फिर आपको दूसरे मैंने बहुत सारे मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, सब मेडिसिन को मिला देना पड़ेगा, कोई पिंपल्स आया कार्बम मिला दिया करके अपस भी मिल दिया लैक मिला दिया, वैसे में पेशेंट ठीक नहीं होने का। इसलिए इसके पहले तो और भी पढ़े ही होंगे आप लोग ये मेडिसिन का, लेकिन यहाँ पर आने का मतलब होता है आपको ब्रेन के अंदर मेडिसिन को घुसा देना है जो कभी भूलोगे नहीं। तब आप पेशेंट आएगा तो पेशेंट को दवाई की दृष्टि से देखोगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलिब्रोमेटर, इसका यूज बहुत कम होता है। इसके पहले एलोपैथिक वाले इसको यूज करते थे नींद आने के लिए और एपिलेप्सी में, तो उन्होंने मेडिसिन ये दे दे करके लोगों को पागलखाना में भेज दिया। उसके बाद इसका यूज करना एलोपैथिक वाले ने बंद कर दिया, और हम जितने भी पॉइजन है हम बहुत इजीली उसको यूज करते हैं होम्योपैथिक से। थैंक यू, जाते हैं। कैलियम ब्रोमेटम पोटासियम ब्रोमाइड ड्रग अंडर क्लास 7 के अंदर बनाई जाती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? एडेप्टेड टू लार्ज पर्सन इंक्लाइन टू ओबेसिटी एंड एक्स बेटर इन चिल्ड्रन देन द एडल्ट्स। ये बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है। इसके बच्चे जितने हैं सब लंबे रहेंगे थोड़े, एंड मोटा होने की प्रवृत्ति रहेगी। फिट्स अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलनकोली, बहुत रोना, बहुत रोना, इतना ज्यादा रोना कि वो एकदम मेलनकोली डिल्यूजन, मतलब पूरा वो डिल्यूजन में चले जाता है और दुखी पर रहता है, उदासी रहता है। मेंटल जनरल लॉस ऑफ मेमोरी फॉरगेट्स हाउ टू टॉक अपसेट माइंडेड हैज टू बी टोल्ड द वर्ड बिफोर द ही कुड स्पीक इट, हमेशा भूल जाता है। वो बात करते रहोगे तो उसको हमको बोलना पड़ता है ये वर्ड है, कोई वर्ड बोलते रहते हैं तो भूल जाएगा तो क्या बोलना चाहता है वो, तो भाव हम लोग को समझ में आ जाता है तो हम लोग पूछेंगे हाँ ये बोलना चाह रहे हो तो वो वर्ड देता है। दैट इज द मेजर एंड पिकुलर सिम्टम ऑफ द कैलिब्रोमेटर। एनाट्राडियम भी है। मेंटल जनरल डिप्रेस्ड लो स्पीचेस एनेक्सियस फील टू ही एज इफ दे वुड बी देयर माइंड्स, इतना उदास रहेगा शेड रहेगा कि अपना एक मेमोरी वो खो जाएगा, उसको ऐसा मालूम पड़ेगा कि मानो अपना दिमाग वो खो दिया है। रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेस ड्यू टू वरी एंड ग्रीफ लॉस ऑफ पॉवर्टी रिप्यूटेशन फ्रॉम द बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, चिंता और शोक का मेन कॉज क्या रहेगा? लॉस ऑफ बिजनेस एंड लॉस ऑफ क्या रेपुटेशन, इतना उसका इज्जत चला जाएगा बोल करके, हमेशा इज्जत चला गया बोल करके वो हमेशा दुखी रहेगा। नाइट टेरर्स ऑफ चिल्ड्रन, ग्राइंडिंग टीथ इन स्लीप, स्क्रीम्स मोन्स क्राइज हॉरिबल ड्रीम्स कैनॉट बी कंफर्ट बाय फ्रेंड्स सोमनोलिज्म, बच्चों को रात में डर के मारे चिल्लाना, नींद में दांत पीसना, टीथ ग्राइंडिंग कराना, रोना, भयानक सपना देखना, और माँ बाप को समझाने के बाद भी वह शांत नहीं होता है, इतना जो चिल्ला कर रोते हैं, और रात में वॉक करना सोमनाली जब उठ के चलना, ये सब होता है। ये देखो हाइड्रोसिफलस फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोसिफलॉइड, फर्स्ट स्टेज का हाइड्रोसिफलस का जब ये मिल रहा है आपको ऐसा कुछ पता प्रतीत हो रहा है दैट इज कैलिब्रोमेटर, लेकिन जनरली हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेज नहीं आता है, वो हमेशा घूम फिर करके वो क्रॉनिक में करके आता है, यहाँ एक कैलिब्रोम तक पहुंचने का हमको समय नहीं रहता है।
हमको दूसरे ही मेडिसिन पे जाना पड़ता है। अगर पहला आया पता चला तब तो ठीक है। माउथ स्लो डिफिकल्ट स्पीच, बोल ना पाना, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करना लेकिन वो बोल ना सकना, ये स्ट्रामोनियम, सॉरी स्ट्रामोनियम भी एक मेडिसिन है परंतु इसका एक है स्टैमरिंग स्लो, धीरे धीरे में बोलेगा तो बोल नहीं पाएगा। गोविस्टम स्ट्रामोनियम दो है, गैस्ट्रो इंट्रेंस, कलेरा इंफंटम विथ रिफ्लक्स इरिटेशन ऑफ द ब्रेन एंड बिफोर इन्फ्यूजन, शिशु में हैजा, मस्तिष्क की जलन, जल संचय होने के पहले मस्तिष्क का उपदा, पानी भरने के पहले ही या ब्रेन में स्वेलिंग आ जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। डेली कॉलिक इन्फेंट अबाउट 5 AM, सुबह सवेरे 5 बजे पेट में दर्द देना बच्चों का, और 4 बजे शाम को पेन होना, कोलोसिन एंड लाइकोपोडियम। नर्वस कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कफ स्नायु कफ रहेगा खांस खांस करके प्रेगनेंसी के दौरान, और ड्राई हार्ट ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग एबॉर्शन, और हमेशा एबॉर्शन होने का हमेशा डर बना रहेगा उसके खांसी के कारण। नर्वस रेस्टलेसनेस कैन नॉट बी स्टील सीट स्टील, मस्ट मूव अबाउट और कीप ऑक्यूपाइड, हैंड्स एंड फिंगर्स इन कॉन्स्टेंट मोशन, फेजी हैंड्स, ट्विचिंग ऑफ फिंगर्स, मैंने पूरा घबराया हुआ बेचैन, एक जगह चुपचाप बैठ नहीं पाना, चलते फिरे रहना और हमेशा बिजी रहना, और हाथ और उंगली को हमेशा हिलाते रहेगा, हाथ और उंगलियों को पूरा हिलाते रहेगा, और उंगलियों का फड़कना, फिंगर्स आर ऑल्सो ट्रेवलिंग। लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, फिशेस, लैरिंग्स, यूरेथ्रा, इंटायर बॉडी स्टेगिंग, अनसर्टेन गैट, फील्स एज यू फील लाइक वेयर ऑल ओवर दिस साइड वर्क, इसको ऐसा मालूम पड़ेगा तालू, ऊपर का तालू, स्वर यंत्र और यूरिनरी सिस्टम की जगह पूरे शरीर में सेंसेशन नहीं रहेगा, सेंसेशन रहेगा नहीं, चलते समय वो एक साइड की तरफ चला जाएगा, पैर इसका एक तरफ चले जाता है, और चलते समय डुलडाल चल रहेगा जैसे कि MS में होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमें तो डिजीज से कोई मतलब नहीं, अगर ऐसा सिम्टम मिलता है यू कैन यूज दिस मेडिसिन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस आल्सो। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, नर्वस वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मोशन एंड नंबनेस, मांसपेशियों का आपस में संतुलन नहीं रहना, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, पैरालिसिस जो हमेशा इधर उधर डुलडाल करते रहेगा, और सुन्नापन, स्पाजम ऑफ फ्रॉम फैट, एंगर एंड इमोशनल कॉजेस इन नर्वस एंड प्लॉथरिंग पर्सन ड्यूरिंग पर्सिस्टेंट टीथिंग एंड होपिंग ऑफ एम्ब्राइट डिजीज, किडनी के रोगों में इसमें बहुत जोर स्पाजमेटिक होगा, बहुत जोर से स्पाजम होगा, डर के मारे इमोशनल से, और प्रसव के मतलब डिलीवरी के एक दो दिन पहले से ही या दांत निकलने के पहले काली खांसी होना, और या किडनी रोग का लक्षण मालूम पड़ना। नर्वस सिस्टम, एपिलेप्सी, कॉन्जेंटल, सिफिलिटिक, ट्यूबरकुलर, यूजुअली अ डे और टू बिफोर मेंसेस, एट न्यू मून, हेडेक फॉलोइंग, मिल्की जैसे जन्मजात बीमारियां जो बचपन से ही पैदा होते ही उसको एपिलेप्टिक फिट्स आ रहा है, सिफिलिटिक हो, ट्यूबरकुलरम हो, आमतौर पर मेंस होने के पहले एक दो दिन पहले ये आमाशय के बाद में सिर दर्द का होना इसका एक लक्षण है। स्किन, यानी लोग इसको एक्ने में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक्ने सिंप्लेक्स इंडिकेटर एसोसिएटेड ब्लूइश रेड, पुस्टुलर ऑफ फेस, चेस्ट, शोल्डर, लिप्स
unsightly scars in young fleshy person across the face. आपको कौन से पिंपल्स में देना है पहले ये समझो। कोई भी पिंपल्स आए तो हम कालीब्रोम दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कालीब्रोम को खुद को समझो वो कौन है। मतलब एकदम साधारण रहेगा एंड हार्ड रहेगा, गुलाबी रहेगा। हार्डनेस ऑफ दिस जहां पर रहेगा एक्ने, हार्ड एक्ने भी यूज करोगे और एक्ने विथ पस, एक्ने में अगर पीप भरा हुआ रहेगा तो। और उसके बाद में ठीक होने के बाद में दाग रह जाएगा गड्ढा टाइप का। पास से जाके देखोगे तो पता चलेगा, दूर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसका रिलेशन है वन ऑफ द एंटीडोट्स ऑफ द लीड पॉइजनिंग के लंबा वगैरह का, लीड पॉइजनिंग का उसको बोलने लगते हैं। एन ओपन क्यूरेटिव अप टू यूजीनिया जंबोस इन एक्ने। यूजीनिया जंबोस मेडिसिन लेने के बाद भी अगर एक्ने नहीं ठीक हुआ तो हरियास। लेकिन क्या है यूजीनिया जंबोस, कब देंगे यूजीनिया जंबोस उसको समझते हैं। ग्रेट डिजायर फॉर टोबैको, यूजीनिया के पास जाने के पहले ग्रेट डिजायर फॉर टोबैको, नौशिया एमिलेशन बाय स्मोकिंग, नौशिया एमिलेशन बाय टॉकिंग, कोमोडोन्स एक्ने सिंपल एंड इंड्यूस। कोमोडोन्स मींस ऐसे एक पिंपल से दूसरे पिंपल की दूरता बनी रहेगी, पास पास नहीं रहेगा। यूजीनिया को समझने के लिए पिंपल्स आर पेनफुल सम डिस्टेंस अराउंड एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस। कितने पेशेंट अगर आते हैं मेंस के पहले अगर उनको पिंपल्स निकलता है द थिंक दिस मेडिसिन। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या याद रखना है। आप लोग चिल्ला के बोल रहे हैं नर्वसनेस, नर्वसनेस विद बिजी बिजी फिस्टी हैंड्स, माने उसका हाथ हमेशा हिलते रहेगा, उसका मैं दूसरे पर आ रहा हूं मैं। नो पेन, डिप्रेशन, डिल्यूजन, बिजी हैंड, पुअर मेमोरी। सीएम बोगन ने सिर्फ चार वर्ड में इसको खत्म कर दिया, नो पेन, डिप्रेसिव, डिल्यूजन, बिजी हैंड, पुअर मेमोरी। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, ठीक है, कोई दर्द नहीं, पूरा पागल जैसा रहेगा, हमेशा इधर उधर हाथ हिलाते रहेगा और याददाश्त कमजोर रहेगा। ठीक है, अब इसको पहचानने का डॉक्टर नेश ने क्या कहा, हाथों में व्याकुलता, हाथों में व्याकुलता, हाथ हर समय निरंतर ही हिलते रहते हैं, हाथ बिस्तर के कपड़ों पर हरकत करने और उसे अनिद्रा से कुछ कमी आ जाती है। हाथ की हरकत करते रहेगा तो नींद नहीं आएगा ना, और कुछ ना मिले तो उसके हाथ को घड़ी को खींचते रहेगा या रिंग लगा रिंग को खींचते रहेगा और या तो कोई छड़ी उड़ी घुमाते रहेगा। इस तरह अपने न्यूरो सिस्टम को वो बयान करता है कि वो स्नायविक है, न्यूरो स्नायविक कमजोरी होते हैं। जिंकम में क्या होता है, पैर हिलता रहेगा, जिंकम मेटेलिकम में पैर हिलता रहेगा और बेचैनी रहेगा, एक जगह बैठ नहीं पाएगा। वहीं पर फास्फोरस में क्या रहेगा, पूरा शरीर ही हिलता रहेगा, फास्फोरस में पूरा शरीर ही हिलता रहेगा और हमेशा करवट बदलता। रेस्टस में क्या होता है, हमेशा वो करवट बदलते हैं, रेस्टस में करवट बदलने से उसको रिलीफ मिलेगा। ये इसमें अगर करवट बदलता है ये पेशेंट ड्यू टू स्नायविक प्रॉब्लम, ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.